सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A50 के बारे में। दोस्तों इस फोन में एक नया अपडेट आ चुका है इस महीने। दोस्तों आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और ये अपडेट दोस्तों आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि जो भी अपडेट आता है वो हमारे फ़ोन में बक्स ले आता है या फिर हमारा फ़ोन जो है दोस्तों पहले से और ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी अपडेट के बारे में बताऊँगा कि ये आपके दोस्तों ये जो अपडेट है आपके लिए कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये अपडेट आपको करना चाहिए या आप नहीं करना चाहिए और इस अपडेट में दोस्तों आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैनर प्रेस कर दें जिससे मेरे नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस अपडेट के बारे में बताता हूँ कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50 में जो नया अपडेट आ चुका है दोस्तों इस अपडेट को आए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो वो जेमस सोचना कि इस अपडेट को आयु काफ़ी टाइम हो चुका है तो ये वीडियो अभी क्यों बन रही है। दोस्तों जो अपडेट आ चुका है पर दोस्तों काफ़ी लोगों को पता नहीं होता तो इसलिए दोस्तों मैंने सोचा इस वीडियो बना दूँ। दोस्तों ये जो अपडेट है ये कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि आपके फ़ोन में दोस्तों कोई नए नए फीचर लेके आए। ये अपडेट सिर्फ इसलिए आया है कि आपके फ़ोन दोस्तों पहले जो बक्स आ रहे थे वो इस अपडेट का फिक्स हो जाएंगे और दोस्तों आपके फ़ोन का सिक्योरिटी पेज लेवल होता है वो 1 नवंबर का हो जाएगा। दोस्तों इस अपडेट का साइज़ की बात करें तो ये अपडेट सिर्फ 170 MB का है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अपडेट दोस्तों नए आते हैं जैसे एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 9, दोस्तों जो नया अपडेट होता है वो किसी भी फ़ोन में हो जब वो आता है तो वो अपने साथ कुछ बक्स लेके आता है। तो दोस्तों उस अपडेट में हमें सोचना चाहिए कि हमें वो अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमारा फ़ोन पहले से अच्छा चल रहा है तो हम उस अपडेट को स्किप कर सकते हैं। बट दोस्तों ये जो अपडेट है ये अपडेट सिर्फ इसलिए आया है कि हमारे फ़ोन में दोस्तों जो बक्स हैं कंपनियों की नज़र में सैमसंग कंपनी में जो हमारे फ़ोन में जो बक्स आ रहे हैं दोस्तों A50 में उसको फिक्स करने के लिए ये अपडेट कंपनी ने भेजा है। तो आपको ये अपडेट जरूर करना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में जो अपडेट आ चुका है तो आप इसे फटाफट से कर लो क्योंकि दोस्तों इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 170 MB का है सिर्फ। और इस अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन जो भी दोस्तों बक्स होंगे जो आपको पता नहीं होगा वो दोस्तों फिक्स हो जाएंगे और आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन दोस्तों बैटरी है वो स्लो हो रही है पहले से तो वो दोस्तों अच्छे से वर्क करेगी और दोस्तों जो भी बक्स हैं चाहे हीटिंग प्रॉब्लम हो या फिर दोस्तों लैगिंग प्रॉब्लम हो वो सारे सॉल्व हो जाएंगे इस अपडेट के बाद। क्योंकि दोस्तों जो भी अपडेट है तो कंपनी ने भेजा है तो वो सिर्फ प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए भेजा है, ना कि दोस्तों कोई नई फीचर के लिए। और दोस्तों जो सिक्योरिटी पेज लेवल है वो भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा इस अपडेट को करने के बाद। तो दोस्तों मैं आपसे ये बोलूँगा कि ये अपडेट अगर आपके फ़ोन में आ चुका है तो आप इसे फटाफट से कर लो और अपने फ़ोन को रेगुलर चेक करते रहो कि आपके फ़ोन में कोई और अपडेट तो नहीं आया है। क्योंकि दोस्तों कंपनी जब भी अपडेट भेजती है वो सिर्फ तभी भेजती है जब हमारे फ़ोन में कोई बक्स होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि ये अपडेट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसका क्या साइज है। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट है तो आप फटाफट से कर लेना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।